हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यह क्वेश्चन आपके चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से लिए गए हैं, ठीक है। तो यह है आपका चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का जो है थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने दो पार्ट और करवा दिए हैं, और इसके अलावा मैंने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो आपके पार्ट थे उसके कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पेपर के, तो वे भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहां से जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और यदि आपको थ्योरी सेशन भी देखना है तो थ्योरी सेशन भी अभी पोषण और स्वास्थ्य का चल ही रहा है, ठीक है। तो उसके लास्ट में अब MCQs में आ गए हैं, ठीक है। आपका पोषण और स्वास्थ्य का जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्री जो है घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र या फिर तीलियाँ। और यहाँ पर दिया गया है लकड़ी के सामान के टुकड़े, कांच की सामग्रियाँ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के टूटे हुए भाग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र और तीलियाँ, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। अब देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही सामग्री के बारे में दिया गया है, क्योंकि केवल लकड़ी के टुकड़े या फिर केवल कांच की सामग्री या फिर केवल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के टूटे हुए भाग, इनसे तो थोड़ी मतलब बच्चों की जो है बच्चों में जो है रचनात्मकता आ सकती है, ठीक है। कई तरह की चीज़ें होंगे, बच्चे कई तरह की चीज़ें करते हैं, कई तरह से सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र, तीलियाँ और वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं आपके बच्चों के जो है रचनात्मक गतिविधियों हेतु क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपका औपचारिक मार्ग निर्देश पूछा गया, ठीक है, बाल संरक्षण से जो संबंधित हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006 के अनुसार, या फिर गोपनीयता नहीं 2002, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है 2003, या फिर बाल परिवीक्षा अनुसंधान के संदेश 1995। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006 के अनुसार, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है, मस्तिष्क के ग्रे भाग में प्रवर्तित होते हैं, मस्तिष्क मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रतिवर्तियों को घटित होने के लिए संकेत देता है, या फिर देखभाल कर्ताओं द्वारा जो है प्रबलन प्रतिवर्त गतिविधियां नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, वह क्या करता है, मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतर क्रिया करते हैं, वे सीखते हैं, मतलब बच्चे क्या सीखते हैं माता पिता के द्वारा, ठीक है, बात करना सीखते हैं, विचार करने के लिए, या फिर चित्र रंगना, या फिर चित्र मिलान। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, बात करना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं माता पिता से ही क्या करते हैं, बात करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है, ठीक है,
आनुवंशिकता को लेकर के समाज क्या सोचता है, ठीक है, बाकी लोग क्या सोचते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया गया है। आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता और किस प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का निष्फल होता है, किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले जो गुण होते हैं उनको प्रभावित करने का जो प्रयास होता है वह क्या निष्फल होता है, और यदि कोई गुण आनुवंशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। तो ये सभी अवधारणाएं जो हैं ये भ्रामक धारणाएं हैं, और ये सभी जो धारणाएं हैं ना आनुवंशिकता के बारे में लेकर के वाकई में हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं, ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सभी जो हैं आपके आनुवंशिकता के द्वारा जो है निर्धारित होते हैं, ठीक है। ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व, ये सभी निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है मानसिक मंदन, ADHD या फिर डिसलेक्सिया या फिर ऑस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो यहाँ पर आपका अधिगम निःशक्तता पूछा है, ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी पूछा गया है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है आपकी डिसलेक्सिया से संबंधित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है साइकोसिस, ऑप्टिज्म, सिजोफ्रेनिया या फिर यूरोसिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप पूछा गया है, ठीक है। हल्का मतलब थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, साइकोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है 0 से 3 वर्ष के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, 20 से 22 वर्ष के लोगों के समग्र विकास में सुधार, या फिर वयोवृद्ध अवस्था के समग्र विकास में सुधार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं बच्चों का जो है समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार जो है घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर होता है, ठीक है, मानसिक रूप से जो मंदित होते हैं ऐसे बच्चों का यहाँ पर IQ स्कोर पूछा गया है। तो 80 होता है, 90 होता है, 65 होता है या फिर 70 होता है। तो जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं उनका जो IQ स्कोर होता है वह होता है 70, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से है बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना, माता पिता तक पहुंचना, या फिर वयस्कों को जानकारी प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो घरेलू अधिगम जो है मुख्य रूप से है, तो यह है बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि, या फिर जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञानवर्धन और दैहिक कुशलता, आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, या फिर एक प्रक्रिया जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते हैं।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, जब बच्चे माता पिता के साथ एक पौधे को पानी देने का कार्य में प्रतिभागी करते हैं यानी सहायता करते हैं, तो वे निम्न अवधारणा को विकसित करते हैं, वृद्धि को, विकास को, निष्पादन को या फिर रंग को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है 3 महीने, 7 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं और वे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए या फिर लिखने के लिए या फिर अनुकरण करने के लिए सीखते हैं, तो वे सीखते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं आरक्षण, भाषा की कुशलता विकसित करना, बाहर जाना या फिर अधिक खोजबीन करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा की कुशलता विकसित करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जाता है, सेस्विल स्विलीनता या फिर सेस्वी स्मृति लोप या फिर प्रमस्तिष्क घात या फिर रेट का सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑटिज्म, सेस्वी स्विलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक के सिवाय से जो है समस्त CD4 कोशिकाएं हैं, मोनोसाइटेस्ट, टी हेल्पर कोशिकाएं, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं या फिर मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जो हैं इनको छोड़ करके। ठीक है, आपकी मोनोसाइटेस्ट और टी हेल्पर कोशिकाएं और मैक्रोफेजेस, ये सभी क्या हैं, CD4 कोशिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है, सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, उच्च सफलता, उच्च या फिर उत्सुकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 आयु वर्ग के हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है, सर्वशिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण या फिर शिशु विद्या योजना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार को संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है। यहाँ पर दिया गया है बाल अधिकार अधिनियम 1989, 47 बाल अधिकार अधिनियम 1989 या फिर 17 बाल अधिकार अधिनियम 1989
या फिर 11 बाल अधिकार अधिनियम 11 बाल अधिकार अधिनियम 2004। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, S-47 बाल अधिकार अधिनियम 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू आगंतुक होने चाहिए अच्छे द्विभाषी, अच्छे सुलेख, स्पष्ट वक्ता या फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छे द्विभाषी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, कल्पना, रंग, वृद्धि या फिर आरक्षण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण है एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉस या फिर ESR या फिर PCR। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेस्टर्न ब्लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है, यूनिसेफ, ICCW या फिर WHO या फिर FAO। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ICCW, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम फोर्थ पार्ट में करेंगे, ठीक है।